हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट जारी होने की जो डेट है यानी कि तिथि जो है वो जारी हो चुकी है कि कब आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब जो है आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाली, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान रख। देखो लिखा है कि अगले हफ्ते से अपलोड होंगे अंक रिजल्ट 20 जुलाई तक, यानी कि अगले हफ्ते से आप लोगों का जो है अंक जो है अपलोड कर दिया जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट पर, उनका जो है पोर्टल बनाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 20 जुलाई तक में जो है आप लोगों का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें और भी क्या क्या बताया गया है। देखिए, इसमें लिखा है कि लाख यानी कि 4.32 लाख, यानी कि समझ सकते हैं कि लगभग जो है 4.5 लाख मैट्रिक में और 3.31 लाख परीक्षार्थी इंटरमीडिएट में है। यानी कि इस साल लगभग जो है टोटल लगभग जो है बोल सकते हैं कि 7.5 लाख विद्यार्थी जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा में यानी कि शामिल हुए हैं और उनकी जो है रिजल्ट जो है 20 जुलाई तक में जो है आने की संभावना है। देखिए, इसमें लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तय होने के बाद जो है जैक ने रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों का इसी सप्ताह के अंदर में जो है आप लोगों का रिजल्ट डेट भी आने वाला है और आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो फाइनली आप लोगों का रिजल्ट डेट भी आ चुका है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। लिखा है कि यहाँ पे दोनों संकाय का रिजल्ट या तो एक साथ या फिर एक सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। यानी कि दोनों संकाय यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट है उनको एक साथ ही जारी करने की ये संभावना बताई जा रही है। या तो अगर एक पहले जो है मैट्रिक का रिजल्ट जारी होता है तो उसके दूसरे सप्ताह जो है इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। देखिए, इसमें लिखा है कि इसके 20 जुलाई तक जारी होने की संभावना है। यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आने वाला है वो 20 जुलाई तक में आने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा जो है CBSE से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। यानी कि CBSE बोर्ड से पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी करने वाली है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि आंतरिक मूल्यांकन का जो अंक है वो अपलोड करने के लिए जैक तैयार कर रहा है पोर्टल। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैक बोर्ड जो है एक पोर्टल बनाएगी, उस पर जो है आप लोगों का आंतरिक जो मूल्यांकन किया जाएगा स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, जो आप लोगों का 20 मार्क जो है आंतरिक मूल्यांकन करने वाला है उनका एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पर जो है आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन का पोर्टल जो है पूरा जो है अपलोड कर दिया गया, पूरा डाटा जो है रिपोर्ट जो है अपलोड कर दिया जाएगा। देखो यहाँ लिखा है कि विभाग को भेजा रिजल्ट तैयार करने का प्रस्ताव। लिखा है कि रिजल्ट तैयार करने को लेकर तय की गई प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव जैक द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को जो है भेज दिया गया है। ज्ञात है कि जैक द्वारा रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जो है फाइनल करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई थी। मैंने आपको पहले बताया था कि 5 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई है, जिसमें जो है आपके रिजल्ट को जो फॉर्मूला तैयार किया है, जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि 80:20 के अनुपात में आप लोगों का रिजल्ट होने वाला है। थ्योरी में आप लोगों का 80% रिजल्ट जो है आपका मैट्रिक इंटरमीडिएट में होगा और आपका जो प्रैक्टिकल से 20% आप लोगों का रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट बनेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है आगे। यहाँ लिखा है कि कमेटी ने पिछले दिनों अपनी अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जो है सौंप दी थी। लिखा है आगे कि रिजल्ट को लेकर सीएम ने दिया निर्देश, यानी कि हमारे सीएम यानी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भी रिजल्ट जारी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट जारी करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप राज्य में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट या तो CBSE के रिजल्ट के पहले या उससे आसपास जारी करने को कहा गया था। यानी कि उस दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि CBSE से पहले यानी कि CBSE बोर्ड से पहले जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट का बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी करें या उसके आसपास ही रिजल्ट जारी करने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से CBSE बोर्ड ने कहा है कि हम जो है 30 जुलाई के अंत तक में यानी 30 जुलाई तक में जो है हम रिजल्ट को प्रकाशित कर देंगे, तो और झारखंड एकेडमिक काउंसिल यह कह रहा है कि हम 20 जुलाई तक में जो है अपना रिजल्ट जो है प्रकाशित कर देंगे, यानी कि उसके आसपास ही रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। लिखा है कि जिससे कि विद्यार्थियों को आगे के नामांकन में कोई परेशानी ना हो, ताकि आप लोगों के नामांकन जो है आगे हो सके, अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि ज़्यादा लेट होने के बाद जो है आप लोगों का नामांकन में काफ़ी डिले होगी, नामांकन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हमारे जो CM सर ने जो है साहब कहा है कि जल्द से जल्द इसका जो है रिजल्ट प्रकाशित करें, ताकि बच्चों को जो है आगे की नामांकन में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आगे लिखा है कि स्कूल और कॉलेज की होंगे जिम्मेदारी, क्या होगी जिम्मेदारी यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दोस्तों लिखा है कि इंटरनल असेसमेंट के अंक की जानकारी समय पर नहीं देने से
संबंधित स्कूल या कॉलेज की विद्यार्थियों का रिजल्ट बाधित हो सकता है, ऐसे में रिजल्ट प्रकाशन नहीं होने के लिए संबंधित स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे ये कहा है कि वैसे स्कूल और कॉलेज जिनकी जो है सूचनाएं, यानी कि जिन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जैक बोर्ड को नहीं भेजी है, जैक विभाग को नहीं भेजा है आंतरिक मूल्यांकन का, तो उनकी उन सभी बच्चों का जो है रिजल्ट जो है बाधित हो सकती है, रुक सकती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी जो है स्कूल कॉलेज को जो है ठहराया जाएगा, उसको दंडित भी किया जाएगा। देखिए इसमें लिखा है समय पर रिजल्ट देने का प्रयास, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो कहना है, यानी कि झारखंड बोर्ड के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है जो समय हमने प्रकाशित किया है कि 20 जुलाई तक हम रिजल्ट जारी करेंगे, ये जो है तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। लिखा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल व मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट जुलाई में जारी कर देगा, विद्यार्थियों को नामांकन व आगे की पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जैक द्वारा समय पर रिजल्ट जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आगे लिखा है डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद जो कि हमारे जैक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये साहब कह दिया है कि हम लोग पूरी तैयारी से कर रहे हैं, 20 जुलाई तक में हम लोग रिजल्ट जो है प्रकाशित कर देंगे, जो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आगे के आप लोगों के नामांकन हो पाएगा, अच्छी तरीके से हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा लेट करने से फिर नामांकन में काफी परेशानी हो सकती है, इसलिए जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल चाहती है कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो, आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।